आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बिरयानी, बहुत ही आसान तरीके से। एक बार आप ट्राई ज़रूर करें। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देख लेते हैं कैसे इसको बनाना है। हमने लिया है आधा किलो चिकन, इसमें 2 टेबल स्पून दही डाल देंगे, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून सौंफ पिसी हुई, 1 टीस्पून लाल मिर्चा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल के अच्छे से मिला लें। हमने सभी मसालों को अच्छे से मिला दिया है। अब इसको कवर करके आधे घंटे के लिए फ्रीज में रख दें। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है, चलिए हम चावल की तैयारी करते हैं। हमने भगोना चढ़ा दिया है, इसमें 5 बड़े चम्मच ऑयल डाल दें। तेल हमने डाल दिया है, तेल में 3 तेज पत्ते डाल दें। तीन से चार लौंग, 2 फूल, 2 दालचीनी, 2 बड़ी प्याज रफली चॉप की हुई डाल दें। प्याज को चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लें। प्याज हमारा फ्राई हो गया है, अब इसमें 2 टमाटर रफली चॉप करे हुए डाल दें। टू टेबल इसको अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। एक चम्मच नमक, नमक अपने स्वाद अनुसार डाल दें। अच्छे से इसको भून लें। अदरक लहसुन हमारा बहुत अच्छे से भून गया है, अब इसमें 8 मिर्चों का पेस्ट बना के डाल दें, 8 हरी मिर्चें। एक चम्मच सौंफ डाल दें, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दें, 1 चम्मच गिरी का बुरादा डाल के मसालों को अच्छे से लो फ्लेम पे भून लें। जब तक हमारे मसाले हो रहे हैं, चलिए देख लेते हैं गोश्त का क्या हाल है। गोश्त को मैरिनेट किए हुए 1/2 घंटे से ऊपर हो चला है। चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई हमने चढ़ा दी है, तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन को चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लें चारों तरफ से। आप देख सकते हैं मेरे चिकन का कितना अच्छा कलर आया है। जब तक हमारा चिकन फ्राई हो रहा है, चलिए देखते हैं मसाले का क्या हाल है। मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से भून चला है, देख सकते हैं टमाटर सारे एकदम गल गए हैं। अब इसमें 3 टेबल स्पून दही को इस तरह से फेंट के खूब अच्छे से डाल दें।
चार से पांच हरी मिर्चें बीच से कट करके डाल दें और दही को अच्छे से मसालों में भून लें। चिकन हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब इसको निकाल लें। हमारे चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, सभी चिकन को फ्राई कर ले अच्छे से। हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून गया है, मसालों को चलाते हुए बहुत अच्छे से भून लें। अब इसमें एक चम्मच चाट का मसाला डाल दें। और अच्छे से चला दें। अब इसमें चावल डाल दें। चावल को हमने धो के अच्छे से आधे घंटे के लिए रख दिया था। चावल हमारा हाफ के जी था। अब इसमें 3 गिलास पानी डाल दें। डाल के एक बॉयल आने का वेट करें। जब तक हमारे चावल में बॉयल आ रहा है, इन मसालों का पेस्ट बना लें। 4 लौंग, 5 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची का बिया, जावित्री का 1 फूल और जायफल थोड़ा सा, इसका पेस्ट बना लें। चावल में हमारी एक बॉयल आ चुका है। अब इसमें जो मसालों का पेस्ट हमने बनाया था वो डाल दें। तो हिला लें, हिलाते हुए ऐसे डाल दें और अच्छे से मिला दें। मसालों को हमने अच्छे से मिला दिया है। अब इसमें चिकन डाल दें जो हमने फ्राई करके रखा था, डाल के इसको भी अच्छे से मिला दें। फ्लेम को लो कर दें, 10 से 15 मिनट इसी तरह चावल को पकने दें। हमारे चावल को पकते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब देख सकते हैं मेरे चावल बहुत अच्छे से हो गए हैं। अब इसमें 2 पिंच फूड कलर ले लें, उसमें 2 टेबल स्पून दूध डाल दें। डाल के अच्छे से पेस्ट बना लें और अब बिरयानी में इसको डाल दें। इसी में 1/2 टीस्पून केवड़ा वाटर डाल दें। डाल के अच्छे से मिला लें। अब इस कलर को इसमें डाल दें। पाँच से 10 मिनट और बिरयानी को लो फ्लेम पे पकने दें। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। लो फ्लेम पे 10 मिनट और पकने दें। हमारी बिरयानी को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हमारी बिरयानी सर्व करने के लिए तैयार है। हमारी चिकन बिरयानी अब तैयार है। हमारी चिकन बिरयानी अब गर्मा गर्म आप टेस्ट करके देखिए कितनी टेस्टी है।